सो गाइस, आज कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करना सीखेंगे। तो आप लोग इस वाला वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो 110% कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। बट गाइस, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो हर रोज मिलती रहती है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। A few moments later. So, okay guys, जो भी आप लोग को फोटो एडिट करना है गैलरी शेयर कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। चलिए मैं गैलरी शेयर कर लेता हूँ इस वाला फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में। जैसे लाइटरूम में शेयर करेंगे ऊपर से लाइटरूम का नोटिफिकेशन गिरेगा, देन नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट चले जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन। सो गाइस, आने के बाद सिंपली से आप लोग को यहाँ पर देखिए ऑल फोटोज का ऑप्शन होगा, देन इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिंपली से यहाँ से एक प्रीसेट को हम लोग यूज करेंगे। इस वाला प्रीसेट का लिंक मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो डाउनलोडिंग कर लेना। सिंपली प्रीसेट पे क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद कॉर्नर साइड में एक थ्री डॉट का ऑप्शन होगा, देन ये रहा थ्री डॉट का ऑप्शन। सो इसी पे क्लिक करना है। ओके गाइस, इस पे क्लिक करें, कॉपी सेटिंग का ऑप्शन होगा, देन इस पे क्लिक करेंगे। ओके इस पे क्लिक करना है। सिंपली से आप लोग को राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो ये वाला प्रीसेट आप लोग का कॉपी हो जाएगा। तो सिंपली राइट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस शेयर को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद जो गैलरी से फोटो शेयर किया उस वाला फोटो को ले लेंगे, देन उसके बाद फिर आप लोग को कॉर्नर में थ्री डॉट का ऑप्शन होगा तो उसी पे क्लिक करना है। देन इस पे क्लिक करने बाद उसके बाद सिंपली से पेज सेटिंग पर क्लिक कर देंगे, तो ये रहा पेज सेटिंग का ऑप्शन। सो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हल्का सा लोडिंग लेगा वहाँ, उसके बाद आप लोग को लाइटरूम से एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख भी सकते हो बिफोर हम लोग कैसा था एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से हो गया। देन इतना काम कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद अपना डाटा कनेक्शन को ऑन कर लेंगे। चलिए मैं ऑन कर लेता हूँ। सो ओके गाइस, डाटा कनेक्शन को ऑन करने के बाद शेयर पर क्लिक करके एंड शेयर टू पे क्लिक करके यहाँ शेयर कर लेंगे अपने फोटो रूम एप्लीकेशन में। चलिए मैं फोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेता हूँ इस वाला फोटो को। जैसे आप लोग फोटो रूम में शेयर करेंगे थोड़ा सा हल्का सा स्कैनिंग करेगा कुछ इस टाइप से, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये स्कैनिंग हो रहा है। देन उसके बाद ऑन क्लिक में ही आपका फुल एच डी में बैकग्राउंड कट आउट हो जाएगा, आप लोग देख भी सकते हो। देन गाइस, उसके बाद इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा लोडिंग लेगा। उसके बाद ऊपर की साइड एक शेयर का ऑप्शन होगा कॉर्नर में, तो इसे शेयर का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली से नीचे की साइड एक सेव टू गैलरी का ऑप्शन हो, इस पे क्लिक करके इस वाला फोटो को सेव करके उसके बाद अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ, आप भी कर लेना। सो ओके गाइस, आने के बाद सिंपली से नीचे की साइड एक प्लस का आइकन होगा, ये रहा प्लस का आइकन। सो इस पे क्लिक कर एडिट ए फोटो पे क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। सो गाइस, जितना इस वीडियो में बैकग्राउंड एंड पीएनजी का यूज होगा यानी मटेरियल का यूज होगा आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो डाउनलोडिंग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड लेने में इस तरह स्लाइड करेंगे, ऐड फोटो का ऑप्शन होगा, इस पे ही क्लिक करना है। जो फोटो में फोटो कट आउट किए तो उस फोटो को ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं, आप भी कर लेना। देन गाइस, ऐड करने में कुछ इस तरह यहाँ पर ला के छोड़ देंगे एंड उसके बाद नीचे की साइड एक स्लाइड करेंगे तो एक इफेक्ट नाम का ऑप्शन होगा, इस तरह स्लाइड करना है। स्लाइड का इफेक्ट नाम का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके एंड कलर पर क्लिक करके उसके बाद कलर डिस्प्लेस पर क्लिक कर देंगे। उसका प्लस का आइकन पकड़ के नीचे की साइड छोड़ देंगे एंड इसको भी ग्रीन कर लेंगे। जो बैकग्राउंड हम लोग ग्रीन है ये भी ग्रीन हो जाएगा, मैच हो जाएगा एंड कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, देन प्लस का आइकन पर क्लिक कर ऐड फोटो का ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रास पीएनजी को ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं एंड तो इस वाला पीएनजी पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके एंड एक डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना, तो ये डुप्लीकेट एक लेयर बन जाएगा। देन का डुप्लीकेट लेयर बन जाए बना लेने के बाद इस टाइप से यहाँ पर कर लेंगे एंड फिल रोटेट का ऑप्शन पर क्लिक कर इसको रोटेट कर लेंगे ना कुछ इस टाइप से। देन रोटेट करने पर कुछ इस टाइप से जूम कर लेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, इसको भी कुछ इस टाइप से 12 करके यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मूव डाउन का ऑप्शन होगा तो दो बार क्लिक करेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा कुछ इस टाइप से। इसको इस पर क्लिक करके फिर इस पर भी मूव डाउन का ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी अंदर की तरफ कर लेंगे। सो ओके गाइस, उसके बाद ग्रास पीएनजी पर क्लिक करके तो एक छोटा सा बिंदु होगा नीचे की साइड, इसको भी नीचे की साइड इस टाइप स्लाइड कर लेना है एंड यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे नीचे की साइड, ठीक है। सो उसके बाद सिंपली से आप लोग को राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ये रहा राइट का ऑप्शन। जैसे आप लोग राइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का पिक्सआर्ट से एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग देख भी सकते हो बिफोर हम लोग का ऐसा था एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से हो गया। बट एक काम रहेगा आप लोग को फेस को स्मूथ करना, मैं इस वाला वीडियो में फेस स्मूथ नहीं करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग फेस स्मूथ करना नहीं जानते मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो वाला वीडियो देख लेंगे तो 100% ऑन क्लिक में अपना फेस को स्मूथ करना सीख जाएंगे। तो आप लोग इस वाला फोटो को सेव करने के लिए इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाला फोटो को सेव करने के बाद फेस को स्मूथ कर लेंगे।